21 अप्रैल है आज, सखी का अवतरण दिवस है। इस धरा पर जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ मार्ग दिखाने वाले हैं और उनके मार्ग पर ही शिष्यों का कल्याण है। गुरु का मार्ग और निखिल का मार्ग ही क्यों चुने, तो उपनिषद में एक श्लोक आया है बड़ा ही सुंदर, धर्मस्य तत्व निहितम गुह्याम महाजनो ये न गत सपंथा। के श्रुतियां कुछ कहती हैं, शास्त्र तर्क करते हैं, तो समझ में नहीं आता है कि किस मार्ग पर चलें, तो उस मार्ग पर चलें जहां महापुरुष चले हैं, उस मार्ग का अनुसरण करें जिस पर महायोगी चले हैं। और सद्गुरुदेव निखिल का मार्ग धर्म का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, चेतना का मार्ग है, और जिनकी स्तुति में कहा गया है वदेन्यम वदेन्यम शरण्यम वदेन्यम ज्ञान च मूर्ति प्रणम वदेन्यम पुण्यवताम पूर्ण मदेव रूपम निखिलेश्वरोयम प्रणमम नमामि। मैं उस निखिलेश्वर भगवान को प्रणाम करता हूँ, जो वंदना करता हूँ, जो ज्ञान का स्वरूप है। पुण्योवताम, जो जीवन के पुण्यों को प्रदान करने वाले हैं और जिनका स्मरण मात्र ही पुण्य प्रदान करने वाला है। पूर्ण मदेव रूपम, जो पूर्णता का स्वरूप हैं, उन निखिलेश्वरानंद जी को, उन दादा सद्गुरुदेव को, उनका श्री चरणों का ध्यान करते हुए, उनके श्री चरणों को हृदय कमल पर विराजमान करते हुए मैं वंदन करता हूँ और उस मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं जो निखिल मार्ग है, जो धर्म का मार्ग है, जिनके लिए कहा गया है अखंड मंडलाकार व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम, जिनके चरणों का दर्शन करने से ज्ञान हो जाता है। ये न तस्मे श्री गुरुवे नमः। और गुरु क्या है हमारे लिए? गुरु हमारे लिए सूर्य के समान है। आकाश मंडल में एक सूर्य होता है और उसके चारों ओर तारे, पृथ्वी, अन्य ग्रह अपनी अपनी परिक्रमा करते हैं। यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञान मुदच्यते स्वयं य एव सर्व संप्राप्ति तस्मे श्री गुरुवे नमः। जिनका स्मरण करने मात्र से ज्ञान का उदय होता है, जिनका ध्यान करने से संप्राप्ति होती है, जीवन में प्राप्ति होती है, उन गुरु को नमन है। और गुरु रूपी सूर्य के मंडल में, सूर्य के आकर्षण में बने हुए आप सभी निखिल तारे हैं, जिनका जीवन का केंद्र बिंदु सद्गुरु निखिल है और आप उस निखिल तत्व सूर्य के चारों ओर भ्रमण कर रहे हैं,
सूर्य आकर्षण में जिस प्रकार बंधे हुए, तारे ग्रह नक्षत्र सब भ्रमण करते हैं, उसी प्रकार शिष्य को भी प्रकाश गुरु रूपी सूर्य से मिलता है। जब वह गुरु आकर्षण में, गुरु रूपी सूर्य के आकर्षण में बना हुआ अपनी अपनी जगत की परिक्रमा करता है, तो उसे प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है? गुरु रूपी सूर्य से। वह जाज्वल्यमान होता है, वह उसमें चमक आती है, उसमें तेज आता है, जब तक वह गुरु आकर्षण में बना रहता। गुरु सूर्य है हमारे लिए, निखिल हमारे जीवन के सूर्य है। हमारा जो प्रकाश है वह गुरु का प्रकाश है। और जैसे ही एक तारा टूट करके सूर्य से अलग हो जाता है, सूर्य के आकर्षण से अलग हो जाता है, तो कहते हैं ये तारा टूट गया, वह तारा समाप्त हो जाता है, उस तारे का प्रकाश समाप्त हो जाता है, उस तारे की चमक समाप्त हो जाती है और वह स्वयं में समाप्त हो जाता है। तो जो गुरु आकर्षण में बंधा हुआ भ्रमण करता है, वह सदैव सदैव, जब सूर्य सृष्टि के प्रारंभ से है, गुरु सृष्टि के प्रारंभ से ज्ञान का स्वरूप है। सूर्य हमारे शरीर को तेज उष्मा प्रदान करता है, गुरु हमारे मन को तेज उष्मा, तीव्रता, तेजस्विता और ज्ञान प्रदान करते हैं। वह गुरु का ही सूर्य का प्रभाव है कि शिष्य अपने जीवन में तेजस्वी बनता है, और यह तेजस्वी बने की क्रिया उसके जीवन पर्यंत चलती रहती है। आवश्यकता है कि जब तक वह सूर्य के आकर्षण में बना रहे। इसीलिए कहा गया है कि सृष्टि में जिस प्रकार से सारे ग्रह सूर्य के आकर्षण में बंधे हुए उसकी परिक्रमा करते हैं, तो उसी प्रकार शिष्य भी अपने गुरु के आकर्षण में बंधा हुआ उनकी नियमित रूप से परिक्रमा करे, तो उसे निरंतर निरंतर तेज प्रकाश प्राप्त होता रहेगा। अब परिक्रमा की बात आई तो गणपति की कथा अवश्य आती है कि भगवान गणपति और अन्य देवताओं में, सारे देवताओं में हुआ के प्रथम पूज्य कौन हो। अब इतने कोटि कोटि देव हैं, हमारे पितर हैं जो देव हो जाते हैं, इंद्र है, वरुण है, अग्नि है, वायु है, जल है, बृहस्पति है, तेजस है, धृति है, तो कहा गया कि आखिर सिस्टम को बनाने के लिए किसी देवता को तो प्रथम के भाई हर कार्य में प्रथम पूज्य यह देव रहेंगे। तो सबने कहा कि भगवान शिव देवताओं में प्रथम पूज्य रहेंगे। शिव के पास गए सारे देवता के, हर घर की तरह हमारे अंदर भी थोड़ा सा कलह हो जाता है, कलह तो नहीं है, थोड़ा इतना विचार है कि पहले प्रथम पूज्य कौन हो, आखिर गृहस्थ व्यक्ति, सन्यासी व्यक्ति और बालक, युवा, वृद्ध पहले किससे पूजा अपनी प्रारंभ करे। तो हम ये निर्णय ले नहीं पा रहे क्योंकि हमारा सबका अपना अपना वर्चस्व है। शिव ने कहा कि भाई हम तो आदि अनादि से परे हैं,
हम तो देवों के भी देव हैं, तो और हम तो स्वरूपहीन हैं, हमें तो लिंगाकार रूप में भी पूजन कर दिया जाता है, हम तो धरती के कण कण में, कंकर कंकर में, शंकर के रूप में व्याप्त हैं। यह प्रकृति हमारे से संयुक्त होकर के पृथ्वी पर गतिशील है। तो बोला कि इस पृथ्वी की जो तीन परिक्रमा पहले कर लेगा वह प्रथम पूज्य हो जाएगा। सबने दौड़ लगाई, कहते सारे देवता जल्दी से जल्दी परिक्रमा करने के लिए तैयार हो गए और परिक्रमा में रत हो गए। गणपति ने उनका मूसक वाहन था, तो उन्होंने पहले शिव और पार्वती दोनों बैठे थे, उनकी तीन परिक्रमा कर ली और प्रणाम किया। सारे देवता परिक्रमा कर आए, शिव ने कह दिया कि गणेश प्रथम पूज्य होंगे, इन्होंने सबसे जल्दी तीन परिक्रमा कर ली। अब जैसा परिवार में होता है, स्कंद अर्थात कार्तिकेय ने कहा कि पिताश्री यह तो आपने निर्णय उचित नहीं किया है, मेरा तो बाहर मोर है और मैंने तो बहुत तीव्र गति से वायु पर सवार होकर परिक्रमा कर ली। तो गणेश जी को पूछा कि भाई आप कैसे मान रहे हो कि आपने सबसे जल्दी परिक्रमा कर ली। तो शिव ने कहा देखो गणेश जी ने क्या किया है, गणेश जी के गुरु कौन है? पार्वती, क्योंकि गणेश का निर्माण पार्वती ने सब स्वयं अपने हाथों से किया था, तो जो निर्माण करता होता है वह गुरु कहलाता है। इसलिए कहा गया है पहले गुरु माता पिता, और गणेश जी के गुरु केवल माता पार्वती थी कि क्यों उन्होंने उसका निर्माण किया। और पार्वती के गुरु कौन? शिव। पूरा आगम निगम जो तंत्र लिखा हुआ है वह शिव और पार्वती का संवाद है। पार्वती एक शिष्य के रूप में प्रश्न पूछ रही है और शिव गुरु रूप में उन सारी जिज्ञासाओं का, प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो गणेश जी का मैंने तो तीन परिक्रमाओं में ही अपने गुरु की भी परिक्रमा कर ली है, अपने दादा गुरु की भी परिक्रमा कर ली है, तीन परिक्रमाओं में मैंने पूरे संसार की परिक्रमा एक प्रकार से कर ली। फिर भी स्कंद को संतोष नहीं आया। स्कंद ने कहा कि मैंने पृथ्वी की परिक्रमा की, तो शिव ने बहुत सहज भाव से कहा हे स्कंद, तुमने इस पृथ्वी की परिक्रमा की है, इस दुनिया की परिक्रमा की है, और गणेश ने अपनी दुनिया की परिक्रमा की है, और यह जानता है कि इसकी दुनिया इसका गुरु है, इसके गुरु के गुरु है, जो संसार की परिक्रमा करने से पहले अपने स्वयं के मन की, अपने संसार की परिक्रमा करता है, वही तो पहले पूज्य होगा। संसार की परिक्रमा करने में ज्ञान मिले या नहीं मिले संदेह है, लेकिन जो अपने भीतर के संसार की परिक्रमा कर लेता है उसे ज्ञान, शांति, संतोष, क्रिया सब कुछ अवश्य प्राप्त होता है। और इसलिए कहते हैं कि भजन में काशी ढूंढा गंगा को, मथुरा ढूंढा
ढूंढ ढूंढ के हारा, जो अपने मन की परिक्रमा कर लेता है, जो अपने संसार की, अपने भीतर के संसार की परिक्रमा कर लेता है, वही तो सर्व पूज्य होता है। क्योंकि कल मैं आपको निखिल धर्म के बारे में समझा रहा था कि हमारे निखिल धर्म का संदेश क्या है। उपनिषद का यही श्लोक, पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्ण मेवा वशिष्यते, यह उपनिषद का मंत्र निखिल शिष्य का पथ प्रदर्शक है कि हम पूर्ण का ही स्वरूप है, हम पूर्ण गुरु निखिल से ही उत्पन्न हुए हैं और पूर्ण गुरु निखिल में ही हम समाहित हो जाएंगे। हमारे जीवन की सारी परिक्रमा, सारा भ्रमण निखिल के चारों ओर है, पूर्णता की यात्रा है। हम पूर्ण पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्ण मुच्यते, पूर्ण से हम प्रकटीकरण हुआ है। जिस दिन शिष्य में यह भाव आ जाता है कि मैं पूर्ण हूं, मेरे अंदर किसी भी प्रकार की अपूर्णता है ही नहीं, संसार चाहे कितना ही कह दे कि तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं, ये कमियां हैं, तुम्हारे अंदर ये तुमने प्राप्त नहीं किया है, जिस दिन मनुष्य जान ले कि वह अपने मन में पूर्ण है, वह संपूर्ण से उत्पन्न हुआ है, वह संपूर्ण में ही विलीन होगा, तो इस संसार में उसे भटकना नहीं पड़ता। हम मन से अपने आप को अपूर्ण समझते हैं, क्योंकि संसार में साधक तो सभी हैं। कोई भोग की साधना कर रहा है, भोग के लिए दौड़ा दौड़ा चला जा रहा है कि इस जीवन में 60-70 साल में जितने भोगों को भोग लूं, वह भोगों की ओर दौड़ रहा है। कुछ संसार में प्रारंभिक अवस्था में ही कि बस हमारा जीवन तो मोक्ष प्राप्ति है, और वे भी मोक्ष की ओर जबरदस्ती दौड़ रहे हैं। ये उपनिषद काल के बाद, महाभारत काल के बाद बड़ी विचित्र विभ्रम की स्थिति आ गई थी कि संसार में दो प्रकार के साधक बन गए, एक तो भोगार्थी और एक मोक्षार्थी। उस मोक्ष का मुक्ति प्राप्त करना नहीं था, उस मोक्ष में एक कठोरता का भाव था, छोड़ दें सब, बड़े कंफ्यूजन हो गए। तब मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे आदर्श कौन है? शिव। अब आप बताओ कि शिव भोगार्थी हैं या मोक्षार्थी हैं? गृहस्थी है ना? राम भोगार्थी हैं या मोक्षार्थी हैं? कृष्ण भोगार्थी हैं या मोक्षार्थी हैं? किसका उदाहरण लोगे आप? आखिर उदाहरण तो आप महापुरुषों से ही लेना पड़ेगा। ये न पंथा, जिस पंथ पर महापुरुष गए हैं, जिस प्रश्न पथ पर राम चले हैं, जिस पथ पर कृष्ण चले हैं, जिस पथ पर शंकर चले हैं, वही तो हमारे जीवन के आदर्श होंगे, जिस पथ पर निखिल चले हैं। और फिर शंकराचार्य को कहना पड़ा कि यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्ष, यत्रास्ति मोक्षो च न तत्र भोग। कह रहे भाई बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, जहां भोग है वहां मोक्ष नहीं है,
और जहां मोक्ष है उस मार्ग पर भोग नहीं है। अब संसार में आए हैं, भोगों को भोगे नहीं, तो अंत समय में, क्योंकि कौन सा फल अंत समय है यह मालूम नहीं है। तो जिसने भोगों को नहीं भोगा वो भी दुखी, और जिसने केवल मोक्ष को मार्ग अपना लिया वो भी दुखी। तो गुरु का मार्ग है, निखिल का मार्ग है, धर्म का मार्ग, जिस धर्म के बारे में भगवान कृष्ण भी, जगत गुरु कृष्ण भी अर्जुन को बता रहे हैं। वे कृष्ण धर्म और कोई नया धर्म, कोई हिंदू धर्म, कोई और विशेष धर्म की व्याख्या नहीं कर रहे। वे कह रहे हैं कि स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, खुद के धर्म का, स्वधर्म का थोड़ा पालन भी महान भय से रक्षा करता है। अपने धर्म का पालन करें, स्वधर्म, स्वधर्म अर्थात स्वयं का स्वभाव, धर्म का अर्थात है भाव, अपने भाव की जो रक्षा करता है उसे स्वल्प, तो अपने स्वभाव के, अपने धर्म का थोड़ा सा पालन भी महान भय से मुक्ति दिलाता है, महान भय उसके पास नहीं आते हैं जो अपने स्वभाव की, अपने धर्म की रक्षा करता है। तभी तो कहा गया है कि धर्म का अर्थ क्या है, स्वभाव, धर्म का अर्थ है स्वयं का कर्म। धर्म में आप कंफ्यूजन मत होना, आपका धर्म है निखिल धर्म, अपने अपने धर्म की, अपने अपने स्वभाव की, क्योंकि यू आर द मोस्ट वंडरफुल यूनिक प्रोडक्ट ऑफ गॉड, भगवान का आप एक अनोखा प्राणी है जिन्होंने संसार में आपको भेजा है, आपके जैसा आज तक कोई नहीं हुआ है, लाखों वर्षों में कोई नहीं हुआ है, लाखों वर्षों में कोई नहीं होगा। न आपकी शक्ल के जैसा कोई पैदा आज तक हुआ है, न आपके शक्ल के जैसा एग्जैक्ट, मतलब 100% कहा जाए कि ऐसा का ऐसा, कितना भगवान ने मेहनत किया है कि आपका यहाँ ललाट से होर तक के बीच में 6 इंच बाय 6 इंच जगह में अभी 7 अरब लोग दुनिया में हैं, 7 अरब के 7 अरब यूनिक पीस। तो स्वधर्म, स्वधर्म अर्थात स्वयं का स्वभाव, स्वयं का कर्म, उसकी रक्षा करना ही धर्म है। और आगे कहा गया है कि स्वधर्मे निधन श्रेय परम धर्मो भयाव। कृष्ण कह रहे हैं हे अर्जुन, अपने धर्म का पालन करते हुए, अपने स्वभाव का पालन करते हुए मृत्यु भी आ जाए तो स्वीकार्य है, वनस्पति दूसरे के धर्म का आश्रय लेने श्रेष्ठ है, स्वयं के स्वभाव की, स्वयं के मन की रक्षा करना, स्वयं के स्वभाव, स्वयं के मन के अनुसार, स्वयं के चिंतन के अनुसार चलना, स्वयं का कर्म करना, यही निखिल धर्म है, और उसकी रक्षा करना। क्योंकि संसार में श्रेयश्च प्रेयश्च मार्ग दोनों आपके सामने खुले हैं, प्रेय का मार्ग भी खुला है और श्रेय का मार्ग भी खुला है, पर श्रेय का मार्ग कौन सा है? प्रेय का मार्ग तो बहुत आएगा कि मैं ये भी इकट्ठा कर लूँ, इसको भी भोग लूँ, इसको भी भोग लूँ, इसको भी चख लूँ, खरबूजा भी चख लूँ, आम भी चख लूँ, संतरा भी चख लूँ, वो भी खा लूँ, 56 भोग हैं, उन सारी मिठाइयों को
कर लूं, जितने प्रकार के वस्त्र हैं वो भी कर लूं, सारा कुछ मैं 70 साल की उम्र में जितने भोग हैं उतने सारे भोग कर लूं। और श्रेय का मार्ग है स्वधर्म, स्वकार्य, स्वस्वभाव की रक्षा करना। गुरु को कहा गया है व्यास, गुरु जिस गद्दी पर बैठते हैं उसे कहा गया है व्यासपीठ। और व्यास जी ने, उन्हें वेद व्यास कहा गया है, उनका नाम श्री कृष्ण द्वापरायण था, बादरायण था, उन्हें वेद व्यास कहा गया क्योंकि सारे मंत्र बहुत इधर उधर मिक्स थे। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको 4 भागों में विभक्त कर देता हूँ। और उन्होंने कहा कि जगत के लिए व्याख्या करने के लिए वेद का अर्थ है बड़ा करना। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। गुरु ऐसा बड़ा खजूर का, ताड़ का वृक्ष नहीं बनाना चाहते कि पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। गुरु तो आपको फलदार छायादार वृक्ष बनाना चाहते हैं, उसके लिए ही अपना प्रकाश, अपनी ऊर्जा प्रदान करते हैं। खैर, मैं वेद व्यास की बात कह रहा था। वेद व्यास ने 4 वेदों को लिखने का निर्णय किया और कहा कि मैं अब लिखेगा कौन, मैं लिखूंगा, कलम चलाऊंगा तो रुक जाऊंगा। तो उन्होंने गणपति को आह्वान किया और गणपति प्रथम पूज्य देव, उनके पास काम बहुत, घर का मुहूर्त होता है, आप गणपति को बुला लेते हो, प्लॉट खरीदते हो, गणपति घर में प्रवेश करते हो, संग्रामे संकटे चैव निर्गमे, जहाँ भी जाते हो श्री गणेशाय नमः। अब गणेश जी को 100 काम बिचारों को, बहुत ज़्यादा बिजी। उन्होंने व्यास जी को कह दिया कि देखो भाई, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे हजारों के यहाँ जाना पड़ता है। अब आप मुझे ये लिखने बिठा दोगे तो आप तो धीरे 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 बोलते रहोगे और मुझे सुबह का मेरा ये शेड्यूल है, दोपहर को उसके घर जाना है, इसके घर जाना है, इसके घर जाना है, जहाँ जहाँ गणपति को बुलाते हैं। अब शिव ने मुझे उपाधि दे दी है कि तुम प्रथम पूज्य रहोगे तो लोग सबसे पहले मुझे बुला लेते हैं। अब व्यास जी तो, वेद व्यास वो तो गुरुओं के भी गुरु, तो चेले के पास जितनी चालें होती है गुरु के पास उससे ज़्यादा चालें होती है। गुरु 2-4 चालों को तो ऐसा होता है कि चेले भी समझ नहीं जाए, शिष्य समझ नहीं जाए, अपने बाह में आस्तीन में छुपा करके रखते हैं। अब उन्हें तो वेद लिखाने थे, उन्होंने कहा ठीक। गुरु के दिमाग में बिल्कुल रूपरेखा एकदम तय रहती है। गणेश जी भी जानते कर भाई मेरे को तो लिखना है, आखिर तो इन्होंने कुछ सोच समझ करके कहां से शुरुआत करनी है, कहां पूर्णता करनी है, पूरी रूपरेखा इनके दिमाग में होगी, तब इन्होंने कहा होगा कि चलो मुझे वेद पुनः लिखने हैं, जिसे श्रीमद् भागवत संसार में आगे कहा गया है, उन वेदों को सरल रूप में लिखना है। उन्होंने कहा गणपति मेरी भी एक शर्त है, मैं तो एक सांस में बोल दूंगा, लेकिन तुम जो भी लिखो चिंतन मनन करके लिखना। क्या बोला, तुम जो भी लिखो
चिंतन मनन कर लिखना। अब गणपति जी ने हाँ भर दी थी कि हाँ आप बोलते रहेंगे और मैं लिखता रहूंगा। अब वेद व्यास जी बोलने लगे, एक श्लोक बोला, गणपति ने लिखा, फिर याद आया कि मैंने संकल्प लिया है कि जो मैं लिखूंगा चिंतन मनन करके लिखूंगा। तो वो लिखते पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्ण मादाय पूर्ण मेवाय पूर्ण मुदच्यते पूर्णात पूर्ण वशिष्यते, इसका अर्थ क्या हुआ? क्योंकि आदेश था और कह दिया था कि मैं चिंतन मनन करके लिखूंगा, उस श्लोक को पूरी तरह से समझूंगा। तो समझो कि गुरु ने भी आपके जीवन की पूरी रेखा गुरु के मस्तिष्क में है, क्योंकि गुरु व्यास हैं। लेकिन वे चाहते हैं कि आप चिंतन मनन कर ही अपने जीवन का कर्म करें। गुरु व्यास है, शिष्य गणपति है, तो गुरु के दिमाग में पूरा खाका है कि मेरे शिष्य का जीवन क्या होगा, यह किस मार्ग पर चलेगा, कैसा होगा, पूरी रूपरेखा है। लेकिन वे चाहते कि शिष्य चिंतन मनन करे, बिना चिंतन मनन किए कोई क्रिया नहीं करे। यहां तो वेदव्यास जी ने गणपति को यह कहा और वहां कृष्ण ने अर्जुन को अलग ही बात कही। अर्जुन को कहा कि सर्व धर्मान परित्यजी मामेक शरणम व्रज। अब इधर तो व्यास जी गणपति को कह रहे हैं कि जो मैं बोलूं तुम चिंतन मनन कर लिखना, और उधर श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं सर्वा धर्मान परित्यजी मामेक शरणम व्रज, सारे धर्मों का परित्याग कर मेरे शरण में आ जा, मैं जैसा कहता हूं वैसा कर। कारण क्या था? व्यास भी गुरु थे, उन्होंने आदेश दिया कि तुम चिंतन मनन कर करो, और कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि तू सारे धर्मों को सारी बातों को छोड़ और चिंतन मनन कर। बिना चिंतन मनन किए जो मैं कह रहा हूं वैसा कर, क्योंकि गणपति संशय से ग्रस्त नहीं थे, उन्हें अच्छे से मालूम था कि रूपरेखा क्या बनाई है व्यास जी ने, और अर्जुन संशय से ग्रस्त था। जब संशय से ग्रस्त होता है तो गुरु कहते अच्छा सब छोड़ दे, अब मेरी बात को मान ले। तू कहता है ये करूं ये नहीं करूं, क्योंकि तुम स्वयं चिंतन मनन नहीं करना चाहते हो। तब अब गुरु को तो अपने शिष्य को बनाना ही बनाना है, तब गुरु को कहना पड़ता है कि सर्वा धर्मान परित्यजी मामेक शरणम, सारे धर्मों को त्याग कर मेरे शरण में आ जा। तुम्हारे पास मेरी समस्याओं का सारा निदान है, कृष्ण के पास पूरा निदान था, अश्वत्थामा की स्थिति थी जब अश्वत्थामा ने इतना बड़ा नरसंहार कर दिया था और कि भाई अब इसको मार नहीं सकते हैं। उसने युद्ध के बाद में पांडवों के पुत्रों को भी हत्या कर दी थी, तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तू इसको मत मार, तो इसके मस्तक की मणि को निकाल दे, यह चिंतन मनन से रहित हो जाएगा, यह संसार में भटकेगा और इसका अंत हो जाएगा, अपने आप ही अंत हो जाएगा। कृष्ण जानते थे कि क्या करना है, दुर्योधन के साथ क्या करना है, भीष्म के साथ क्या करना है, दुशासन के साथ क्या करना है, तभी तो
भगवान ने दुर्योधन को ऐसी बुद्धि दे दी कि महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, दुर्योधन समाप्त नहीं हुआ, जंगल में भाग गया था। माता गांधारी ने कहा कि तुम स्नान करके आना और मैं तुम्हें वह शक्ति प्रदान करूंगी अपने नेत्रों से कि तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा। अब कृष्ण को मालूम था कि यहां पर क्या करना है, मैं वरदान को नहीं रोक सकूंगा। तो उन्होंने दुर्योधन के अंदर ऐसी बुद्धि दी, करे तू बिल्कुल नग्न कैसे जाएगा, कुछ तो अधो वस्त्र पहन करके जा, क्या तुझे लज्जा नहीं आती है? और भीम ने वहीं जांघ पर वार कर दुर्योधन का अंत किया। कृष्ण को मालूम था कि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है और यह किसी के द्वारा परास्त नहीं होंगे, किसी पुरुष के द्वारा, किसी स्त्री के द्वारा परास्त नहीं होंगे। तो उन्होंने योजना बनाई कि इसको शिखंडी के द्वारा परास्त किया जाए। तो गुरु के दिमाग में पूरी रूपरेखा रहती है कि आपके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन फिर भी गुरु चाहते हैं कि आप चिंतन मनन करो। चिंतन मनन नहीं करोगे, गुरु आपसे कार्य नहीं करवा सकेंगे, आप अपना कार्य नहीं कर सकोगे, बहुत ज्यादा आश्रित हो जाओगे। और गुरु आपको पूर्ण बनाना चाहते हैं, आपके पूर्ण भाव को प्रकट करना चाहते हैं, आपको निखिल धर्म पर चलाना चाहते हैं। वे चाहते कि स्वधर्म का आप पालन करें। तो जैसी समस्या है गुरु के पास सब समाधान रहता है, पर आप क्या है कि बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। एक ज्यादा चिंता करते हो ना, बहुत हर एक बात की बहुत ज्यादा चिंता करते हो, जरूर से ज्यादा चिंता करते हो। मैं तो कहता हूं कि आपको कहा गया है गुरु ने चिंतन मनन करने का, और आपको दुनिया ने सिखाया है कि बस चिंता किए जाओ, चिंता किए जाओ। गुरु कह रहे हैं अरे चिंता मत करो, चिंतन मनन करो, और आप करते हैं चिंता। बिल्कुल आपकी बिल्कुल ऐसी हालत है जैसे एक किसान ने फसल बोई, हर साल एक फसल होती थी, 12 बोरी अनाज हो जाता था। इस साल एक बार ऐसा हुआ कि थोड़ा पाला पड़ गया था, तो 12 बोरी की जगह 11 बोरी अनाज उत्पन्न हुआ, लाए घर अनाज। अब किसान चिंता करने लगे कब आगे के 12 महीना का क्या होगा, हर महीने की एक बोरी खर्च होती है, एक महीना, दो महीना, अब इस बार 11 बोरी हुआ है, 11 बोरी हुआ है। उसने घर में अनाउंस कर दिया कि हम एक महीने भूखे रहेंगे, एक महीने भूखे रहेंगे और अगले महीने से बिल्कुल भरपेट खाना खाएंगे, तो हमारा 12 महीने का प्लानिंग बराबर सेट हो जाएगा। अब क्या करें, पूरा परिवार भूखे मरने लगा, घर में 11 बोरी अनाज पड़ा था, लेकिन उसकी प्लानिंग थी कि 12वें महीने तक अगली फसल आने तक व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसने प्लान किया कि एक महीने पूरा भूखे रह जाते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन भूखे रहे, बीमार पड़ गए। बलाओ एक महात्मा जी आए, बोले क्या बात है? अरे तो बोला करे भाई 12 बोरी की जगह 11 बोरी हो गया है, तो हर महीने 100 किलो खर्च करने की जगह 90-90 किलो खर्च करो, यदि भूखे ही मर गए, तुम्हारे प्राण ही चले गए, तो 11 बोरी अनाज ऐसा कैसा पड़ा रह जाएगा, फिर कौन खाएगा? तुम भी ऐसा ही करते। 2024 में क्या होगा, 2024 में ये हो जाएगा, अब मेरा बेटा ग्रेजुएशन कर लेगा, उसके बाद क्या होगा,
अरे लड़की तो अब 15 साल की हो गई है, 2023 में 23 साल की, 22 साल की हो जाएगी और उसकी शादी करनी है, अब क्या करें? अब आप पति पत्नी दोनों चिंता से ग्रसित होकर के बैठे हो, बच्चा गर्भ में आता है और आप सोचते हो कि कौन सी स्कूल में पढ़ेगा, कौन सी कॉलेज में पढ़ेगा, मुझे उसे कहाँ पढ़ाना है, क्या करना है, उसके लिए क्या ड्रेस लानी है, उसके ड्रेस के लिए क्या व्यवस्था करनी है, उसकी फीस की क्या व्यवस्था करनी है। आप बहुत बुद्धिमान हो, ज़्यादा बुद्धिमान हो, वर्तमान का नहीं सोचते हो, 15 साल बाद क्या होगा, 8 साल बाद क्या होगा, इतनी चिंता, इतनी चिंता। और इतनी चिंता करने से क्या आपकी समस्या का समाधान हो रहा है क्या? यदि आपके चिंता करने से समाधान नहीं हो रहा है तो चिंतन करो भाई, मनन करो, विचार करो, चिंता क्यों करते हो? चिंता से चतुराई घटे, क्या? चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, कैसा भी संकट हो मनवा खो न धीर। आपकी जो स्मार्टनेस है ना, वो सारी चिंता से खत्म हो जाती है। और जितना आप दुख करोगे, जितना दुख करोगे, उस दुख का प्रभाव आपके शरीर पर अवश्य पड़ेगा। कैसा भी संकट हो मनवा खोन धीर, या ऐसा कर सकते हैं, कैसा भी संकट हो मनवा खाओ खीर, है ऐसा भी कर सकते हैं। अरे भाई संकट आने वाला आएगा, आएगा आने वाला आएगा, जब आएगा तब देख लेंगे, चिंतन मनन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। बहुत तुम्हारे जिंदगी में तुम चाहते हो कर्म करूं और तत्काल फल मिल जाए, इसलिए मैं जब सत्ती बात करता हूं, आपकी आंखों में देखता हूं, तो आपकी आंखों में एकदम वो जो चिंताओं का विष उबल रहा होता है, वह विष को मैं करते नहीं, केवल और केवल आप चिंता करते। सड़क पर निकला